तो ये बड़ी खबर आ रही है, राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान। राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त पर बोले सतीश पूनिया, आने वाले दिनों में सरकार के कामकाज पर रहेगी बीजेपी की नजर, खान आवंटन और रीको के प्लांट आवंटन पर रहेगी नजर, सरकार के आवंटन से पता चल जाएगा किसके वोट खरीदे। ये सतीश पूनिया का बयान है। सरकार के हर काम पर रहेगी बीजेपी की नजर। बीजेपी का आरोप है कि कई निर्दलीय विधायकों को सरकार ने लालच दिया। तो ये बड़ी खबर आ रही है। सतीश पूनिया का कहना है कि अब सरकार के हर कामकाज पर आवंटन पर बीजेपी की नजर रहेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान। राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त पर बोले सतीश पूनिया, आने वाले दिनों में सरकार के कामकाज पर रहेगी बीजेपी की नजर, खान आवंटन और रीको के प्लाट आवंटन पर रहेगी नजर, सरकार के आवंटन से पता चल जाएगा किसके वोट खरीदे, सरकार के हर काम पर रहेगी नजर। चुनाव राज्यसभा का खत्म हो गया है लेकिन अभी भी राजनीति चल रही है और इसी के उसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा। और इस पूरे मामले में शशि मोहन शर्मा हमारे साथ हैं, फोन लाइन पे मौजूद हैं। शशि, चुनाव खत्म हो गया लेकिन राजनीतिक खींचतान अभी भी खत्म नहीं हुई। राजनीतिक खींचतान आने वाले समय में और बढ़ती हुई दिखाई देगी रमन, और यही कारण रहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज साफ कह दिया कि राज्यसभा चुनाव से पहले जो खरीद फरोख्त के आरोप लगे थे उसके सबूत उनकी पार्टी देगी, भारतीय जनता पार्टी देगी। और यही कारण है पूनिया कहते दिखे कि आने वाले समय में जो अतिरिक्त वोट कांग्रेस के पास में आए उसमें किन को खान आवंटन हो रहा है, किन को रीको के प्लॉट्स का आवंटन हो रहा है, इन मामलों के ऊपर बीजेपी नजर रखेगी। सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार के एक एक आवंटन पर बीजेपी नजर रखेगी और उसकी कलाई खोलेगी कि किस तरीके से काम हो रहा है। जी रमन, शशि, क्या इससे बीजेपी कोशिश करेगी कि किन जो निर्दलीय विधायक हैं उनकी भी बात की गई है कि निर्दलीय विधायक हैं जो सरकार के पक्ष में जिन्होंने वोटिंग की है तो उसका भी कुछ नाम लिया गया? देखिए, निर्दलीय विधायकों के साथ ही सत्ताधारी पार्टी और जो छोटे दल हैं उनके विधायकों के ऊपर नजर रखने की बात बीजेपी ने कही है। बीजेपी ने कहा कि आने वाले दिनों में सबके सामने आएगा कि किसके साथ में क्या डील हुई और उस डील के बाद किस किस को क्या मिल रहा है। चलिए शशि, शुक्रिया आपका तमाम इस जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर जो उदयपुर से आ रही है, उदयपुर कलेक्टर आनंदी के खिलाफ पेश हुआ परिवाद। आरएस अधिकारी एमएल चौहान ने पेश किया परिवाद। कलेक्टर पर बेवजह परेशान करने समेत कई गंभीर आरोप लगाए। कलेक्टर ने मंत्री की बैठक में नहीं आने पर अधिकारी को दिया था नोटिस। अब कारण बताओ नोटिस के खिलाफ अधिकारी ने पेश किया परिवाद। तो ये उदयपुर की घटना है, एक बड़ी खबर उदयपुर से। कलेक्टर आनंदी के खिलाफ परिवाद पेश हुआ। आरएएस अधिकारी एमएल चौहान ने यह परिवाद पेश किया। उन्होंने कलेक्टर पर बेवजह परेशान करने समेत कई गंभीर आरोप लगाए। कलेक्टर ने मंत्री की बैठक में नहीं आने पर अधिकारी को नोटिस दिया था। अब कारण बताओ नोटिस के खिलाफ अधिकारी ने परिवाद पेश किया। तो चलिए अब रुक करते हैं सिटी 60 का। देश में 24 घंटे में रिकॉर्ड 14,500 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा केस। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 14,314। आज सुबह दर्ज हुए 158 नए पॉजिटिव केस। प्रदेश में अब तक हुई कुल 333 मौत। कोरोना जांच को लेकर सीएम गहलोत का बड़ा फैसला। निजी अस्पतालों के लिए जांच और बेड के रेट किए तय। अब 2,200 रुपए में प्राइवेट लैब में होगी कोरोना की जांच। जनरल बेड 2,000 रुपए और वेंटिलेटर समेत आईसीयू बेड की दर 4,000 फिक्स। 12 जिले में कोरोना से जुड़ी बड़ी ही सुखद खबर सामने आई है। राजस्थान का 12 जिला कोरोना फ्री हो गया है। जिले में कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं बचा है। 12 जिले में 29 अप्रैल को कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। हमारा कोविड केयर सेंटर में हमने 12 जिले के जो भी पॉजिटिव केस थे उनको वहाँ पर रखकर एक फिजिशियन की देखरेख में उनका इलाज कराया गया। इसके तहत हमने उनको होम्योपैथी की आर्सेनिक एल्बम 30 टेबलेट्स 6 गोली 3 दिन तक दी। उसके अलावा आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट का जो काढ़ा था उसको सुबह शाम उनको काढ़ा भी पिलाया, साथ में योगा उन लोगों को कराया प्रतिदिन योग शिक्षक के द्वारा। लगभग पहले 3 चरण में हमारा 0 ही था।
लेकिन बाद में जब ये खोला गया कि अन्य राज्यों के लोग भी आ सकते हैं, उस समय हमारे के यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे और लोग अपने परिवार के सदस्यों को बाहर से लाए और उसकी परिणति रही कि हमारे यहाँ 62 केस हो गए। एक बुजुर्ग महिला अजमेर कोटा टेस्ट करने गई थी, उनको वहाँ पर और एक दवाई के इलाज के लिए गई थी और बीमारी गई, लेकिन समझ वहाँ से वो पॉजिटिव होकर आई है। कोटा से कोरोना को लेकर राहत की खबर सामने आई है। कोरोना संक्रमण के मामलों में प्रदेश में सबसे आगे आने वाले शहरों में आने के साथ कोटा रेड जोन में बना हुआ था, लेकिन अब बीते 15 दिनों से कोरोना के मामलों में आई कमी के बाद कोटा ऑरेंज जोन में आ गया है। इसके साथ ही कोटा ऑरेंज से ग्रीन जोन की तरफ बढ़ रहा है। जी, बहुत रीएश्योरिंग है हमारी जो ट्रीटिंग टीम है उसके लिए भी, और जो भी मेडिकल कॉलेज से और स्वास्थ्य विभाग से जो इन्वॉल्व हैं कोरोना केयर के लिए, उनके सब के लिए बहुत इनक्रेजिंग और रीएश्योरिंग है। इस तरह से केसेस कम होना और हम लोग, और दूसरी बात ये कि हमारी रिकवरी रेट भी ऑलमोस्ट 90% है, मोर देन 90% है, तो ये भी एक रीएश्योरिंग है। डूंगरपुर के कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 406 पहुंच गया है। सागवाड़ा में एक साथ 11 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। बांसवाड़ा जिला भी कोरोना संक्रमण से पूरी जंग जीत चुका है। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की संख्या अधिक हो रही है। जिले में अभी वर्तमान में 92 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, जिसमें से 88 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर कोरोना से जंग जीतकर अपने घर पहुंच चुके हैं। वहीं यहां 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। सीकर जिले के मेघवंश जागृति संस्था द्वारा संचालित मास्क वितरण अभियान के तहत पशुपालन विभाग पाटन के सभी पशु चिकित्सा संस्था प्रभारियों को 2000 मास्क का वितरण किया गया। झालावाड़ जिले का चौमेला कस्बा अभी तक कोरोना संक्रमण से अछूता रहा था, लेकिन देर रात झालावाड़ मेडिकल कॉलेज द्वारा जारी रिपोर्ट में चौमेला कस्बा निवासी पिता और पुत्री दोनों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। धौलपुर जिले में पिछले एक हफ्ते से लगातार कोरोना रोगियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं बाड़ी उपखंड में कोरोना पॉजिटिवों के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर के मरीजों ने घटिया भोजन देने का आरोप लगाया है। हर एक जगह अच्छी व्यवस्था होती है मरीजों के लिए, यहाँ पे मारने के लिए लेके आए, ये सब चीजें पोहा वगैरह खाता है, किसी को दस्त हो रहा है, छाले हो रहे मुंह में, इतनी तीखा वगैरह बना के लेके आते हैं। बांसवाड़ा के सबसे बड़े महात्मा गांधी चिकित्सालय में कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है, जिसके चलते आम मरीजों की अस्पताल में आवाजाही लगभग बंद है। जहां रोजाना 1500 मरीज अस्पताल पहुंचते थे और ओपीडी में लंबी लाइन देखने को मिलती थी, वहीं अब 2 महीने में महज इक्का दुक्का लोग इलाज के लिए आए हैं। राज्यसभा सांसद बने नीरज डांगी ने आज सचिन पायलट से मुलाकात की। राज्यसभा चुनाव के जीतने के बाद पायलट से ये पहली औपचारिक मुलाकात थी। नीरज डांगी ने सचिन पायलट के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। सचिन पायलट ने भी नीरज डांगी को चुनाव जीतने की शुभकामनाएं दी। ब्यावर में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग देहात ने कांग्रेस नेता नीरज डांगी और केसी वेणुगोपाल के राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने पर खुशी का इजहार किया। आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात की है। इस मौके पर वसुंधरा राजे ने राजेंद्र गहलोत को शुभकामनाएं दी और नवनिर्वाचित सांसद का मुंह भी मीठा करवाया। प्रदेश में बाल श्रम को रोकने के लिए चलाए जाएंगे विशेष अभियान। जयपुर प्रदेश में बाल श्रम जैसी कुप्रथा को संपूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए श्रम विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। राजस्थान में 3 साल बाद भी एनटीटी शिक्षकों को स्थायी नहीं किया गया है। नियमों के तहत 2 साल में एनटीटी शिक्षकों को स्थायी करना था, लेकिन महिला एवं बाल विकास की लापरवाही के चलते अब तक 500 एनटीटी शिक्षक स्थायी नहीं हो पाए हैं। जून 2017 को नियुक्ति मिली थी, लेकिन उनका परीक्षा काल 19 जून 2019 को पूरा हो गया और आज 1 वर्ष के अधिक समय बीत जाने के बाद भी लगभग 500 अभ्यर्थियों का स्थायीकरण जारी नहीं हुआ, जिसके कारण उनको आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। अतः महिला एवं बाल विकास विभाग जल्द से जल्द उनका स्थायीकरण करके उनका आदेश जारी करे, जिसको उनको आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिल सके। कोटा के एमबीबीएस अस्पताल में गर्मी से परेशान मरीजों को अब राहत मिलेगी। हड़ौती विकास मोर्चा की पहल पर मुख्यमंत्री निशुल्क दवा काउंटर पर मरीजों की छाया के लिए टेंट लगवा दिया गया है।
राजस्थान में गहलोत सरकार ने कोविड 19 को देखते हुए आदेश दिया है कि 37 कैटेगरी के लोगों को खाद्य सामग्री के लिए उनके नाम को जोड़ा जाए और इसी बात को लेकर बाड़मेर नगर परिषद में बवाल हो गया। कांग्रेस के पार्षद ठाकरा राम माली की कर्मचारी राजेश से तूतू में हो गई। बीकानेर के नौका में 10 रुपए का दूध गिराने पर दादी ने मासूम को लाठियों से पीट दिया। डर के मारे घर से भागा बच्चा सब्जी मंडी पहुंचा और वहीं अपनी पूरी रात गुजारी। सुबह सब्जी मंडी के लोगों ने बच्चे के शरीर पर पड़े लाठियों के निशान देखे और बच्चे की आपबीती सुनकर उसे पुलिस थाने पहुंचाया। राजसमंद के खमनोर में घर में एक दंपति का शव बरामद हुआ। पति का शव जहां फंदे पर लटका मिला, वहीं पत्नी बेड पर मृत पाई गई। सूचना पर पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुराने कोई भूमि विवाद को लेकर झगड़ा हुआ है। कितने लोग घायल हुए हैं, कितने रेफर हुए हैं? इसमें करीब 19 आदमी दोनों पक्षों से 19। दौसा के झालावाड़ा के रटलाई में टेकली मार की पहाड़ी के पास खून से सना शव मिलने से सनसनी फैल गई। जांच में मामला प्रेम प्रसंग का निकला। पेशे से चालक राकेश का गांव में प्रेम प्रसंग था, जिससे नाराज प्रेमिका के परिजनों ने उसे घर बुलाया और फिर पहाड़ी पर ले जाकर लोहे की रॉड और डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। ने बताया कि ये एक जो उनके गांव की एक लड़की है उनके परिवार की, जिसके साथ में ये प्रेम प्रसंग करता था और उसके साथ छेड़छाड़ करता था, जिसके कारण से इन लोगों ने उसको धोखे से बुला करके और मारुति ओमनी वेयर में ले जा करके और उसको जंगल में ले जा करके मारपीट की, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में 2 लोगों को, जो इसके लड़की के चाचा और पिता हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है तथा शेष अन्य अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। जयपुर के चौमू में बिजली विभाग का बिजली चोरों के खिलाफ अभियान जारी है। विजिलेंस टीम ने एक्सियन टीसी सिंगल के नेतृत्व में मोरिजा रोड पर एक निजी अस्पताल पर कार्रवाई की और तकरीबन 5 लाख रुपयों का वीसीआर भर के कनेक्शन काट दिया। अजमेर में नेशनल हाईवे 8 सिदारिया के नजदीक चोरों ने हार्डवेयर शॉप का ताला तोड़कर 1.5 से 2 लाख का माल पार कर लिया और दुकान में आग लगाकर फरार हो गए। तो ये सारा बिखरा हुआ ये माल और चोरी था और ये जला हुआ कुछ मटेरियल ये पड़ा था सारा, ये हुआ था भैया। और पीछे से गेट है, पीछे वाला गेट भी खुला हुआ था और माल सारा यहाँ से, ये बॉक्स जितने भी पड़े हैं दिख रहे होंगे आपको, ये सारा खाली है। जला हुआ तो ये भैया बॉक्स वगैरह शीट वगैरह ये काउंटर सारा जला दिया है। नहीं, सीसीटीवी नहीं लगा हुआ था भैया इसमें। लगभग भैया 1.5 लाख रुपए का माल करीबन ले गए हैं और बाकी वेस्ट हो गया, जल गया कुछ साइड। राजस्थान के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने आदेश जारी कर शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाने की बात अधिकारियों से कही थी, लेकिन फिर भी झुंझुनू में शिक्षकों को ऐसे कार्यों में लगाया जा रहा है। मामले को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ ने झुंझुनू कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन दिया। देसरी उपखंड अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत के निर्देशन में देसूरी थानाधिकारी भंवर सिंह जाखड़ ने अवैध बजरी और पत्थर परिवहन पर कार्रवाई करते हुए 6 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। धौलपुर के बाड़ी में पुलिस ने चोरी की बाइक बेचने जा रहे एक नाबालिग लड़के को पकड़ा। पुलिस को लड़के के कब्जे से चोरी की 6 बाइक बरामद हुई। श्रीगंगानगर के सबसे बड़े गांव लालगढ़ जाटान को नगरपालिका का दर्जा मिलेगा, जिसको लेकर गांव में नगरपालिका कार्यालय बनाने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इस घोषणा को लेकर ग्रामीणों में खुशी। टोंग के टोडा रायसिंग में शाहपुर बालाजी नवयुवक मंडल सेवा समिति टोडा रायसिंग के कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला फूंका और चाइनीज सामान को जलाकर उसका बहिष्कार किया, साथ ही आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया। अजमेर विद्युत श्रमिक संघ के आह्वान पर झुंझुनू एईएन कार्यालय में प्रबंधक निदेशक के नाम पर एईएन राजकुमार राव को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में निगम निजीकरण का विरोध, अनुकंपा पर लगे कर्मचारियों का राज्य सरकार की तर्ज पर लिपिक बनाने समेत अन्य मांगे शामिल हैं। में आज ज्ञापन दिया जा रहा है सहायक अभियंता के माध्यम से MD को दिया जा रहा है और इसमें मेनली जो हमारा अभी 2020 का विद्युत सुधार बिल जो आया है केंद्र सरकार का, उसमें निगमों का निजीकरण कर रहे हैं विद्युत निगमों का, तो प्रबल मांग हमारी है कि निजीकरण रुके, इसके लिए आज ये आगाज़ किया है। तो इसमें आज सभी उपखंडों में दिया जाएगा। इसके अलावा कंपनी लेवल की हमारी मांग पत्र की कुछ डिमांड है, तो आज तक उनका समाधान नहीं हुआ है, उसके लिए भी दबाव बनाने के लिए दिया गया है।
लॉकडाउन में निजी स्कूलों की फीस वसूली का विरोध तेज हो गया है। अब निजी स्कूल संचालक ऑनलाइन क्लास के नाम पर वसूली कर रहे हैं, जिसे लेकर जयपुर में 11 स्कूल के 500 से ज्यादा अभिभावकों ने मीटिंग की। इस दौरान अभिभावकों ने स्कूल की मनमानी के खिलाफ रणनीति तैयार की। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड डग ने चीन से झड़प के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और चीनी सामान की होली जलाकर बहिष्कार किया। वहीं सीकर में स्वदेशी जागरण मंच की ओर से गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंक कर चीनी वस्तुओं की होली जलाई गई। चीन की जो बर्बरतापूर्वक कायदा हरकत में हमारे जो 20 जवान शहीद हुए हैं, उसके विरोध में हमने चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंक कर यहाँ पे विरोध जताया। इसके साथ ही स्वदेशी जागरण मंच सीकर के द्वारा ये आह्वान किया जाता है कि आप विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं। श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने गदसिंहपुर थाना क्षेत्र में यूपी नंबर के 29,000 लीटर क्षमता के टैंकर को अवैध डीजल की सप्लाई करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। पेट्रोल पंप डीलर्स ने टैंकर को पकड़कर गदसिंहपुर थाने में खड़ा कर दिया, जहां जिला रसद अधिकारी ने पहुंचकर टैंकर को जब्त कर जांच के लिए सैंपल ले लिए हैं। सीकर के नीमका थाना के रामलीला मैदान के वार्ड नंबर 8 में कई घरों में दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। लोगों का कहना है कि कई बार विभाग से शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। करीब 8 महीने से घर में गंदा पानी आ रहा है। खाजूवाला से सटे पाक बॉर्डर से लगातार टिड्डियों का कहर जारी है। खाजूवाला क्षेत्र के 2 किलोमीटर सिसाड़ा और 23 बीडी समेत आधा दर्जन चौकों पर टिड्डियों ने आतंक मचा रखा है। श्रीगंगानगर पंजाब बॉर्डर पर गंग कैनाल नहर की अलग से स्टोरेज नहर का निर्माण चल रहा है, जिसमें गड़बड़ियों की शिकायत पर सांसद निहाल चंद और बीजेपी नेता गुरबीर बराड़ मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। निरीक्षण में गुणवत्ता को लेकर सांसद ने नाराजगी जताई। डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा ने शनिवार को उदयपुर डूंगरपुर अहमदाबाद आमान परिवर्तन रेल परियोजना के कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ी। जल्द रेल सेवा की प्रारंभ हो जाए, यह हमारी सबकी मंशा थी और इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम इसको उद्घाटन भी कराना चाहते हैं, तो पहले हम देख लें कि आज कितना काम बाकी है और कितना पूरा हुआ है और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या स्थितियां हैं, इसके बारे में आज हम विजिट के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और हमने पूरा विजिट किया है। अधिकारियों से चर्चा, उसके अंदर 2 महीने के अंदर अंदर यह पूरा हो जाएगा। कोविड 19 की परिस्थितियों में आमजन की सुरक्षा को देखते हुए जैसलमेर जिले के विभिन्न धर्म संस्थानों को खोलने के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों पर चर्चा के लिए जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। जयपुर के चौमू के NH-52 पर गौलीला धाम गौशाला ने गौ संरक्षण को लेकर एक अनूठी पहल शुरू की है। गौशाला के पदाधिकारियों ने गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर तख्ती अभियान शुरू किया है। आए दिन क्षेत्र के अंदर इनके ऊपर एसिड डाल दिया जाता है, कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है या हाईवे पर छोड़ दिया जाता है। इनके लिए तो हमने ये तख्ती अभियान चालू किया है ताकि लोग बाग समझ में आए और सरकार से यही मांग करते हैं हम लोग कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करें और एक सही सा नियम लागू करें। इनके लिए तो हाथ लगाने से डरे लोग। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बाघिन रंभा ने केयर टेकर की उंगली चबा ली। केयर टेकर मुन्ना दोपहर को बाघिन रंभा के पिंजरे में बाहर से पानी डाल रहा था, जैसे केयर टेकर का ध्यान बाघिन की तरफ से हटा, बाघिन ने उसकी उंगली को चबा लिया। बेजुबान वन्य जीवों को पिंजरे में कैद कर रखने की खबर पर जी राजस्थान की मुहिम रंग लाई है। जी राजस्थान पर खबर प्रसारित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और बेजुबान बंदरों को पिंजरे से मुक्त करवाया गया। दरअसल जयपुर में बंदरों पर क्रूरता और अत्याचार का मामला सामने आया था। नगर निगम ने शहर से बंदरों को पकड़ तो लिया, लेकिन उन्हें जंगल में छोड़ना भूल गए, जिसके चलते ये 15 बेजुबान पिछले एक सप्ताह से पिंजरे में कैद थे। टोड़ा भीम के खेड़ी गांव में सुबह 2 सांप नाचते और अटखेलियां करते दिखाई दिए। उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। सांप काफी देर तक अटखेलियां करते रहे, बाद में शांत होकर अपने रास्ते चले गए। वहीं बांसवाड़ा जिले के कुपड़ा गांव के गणपतपुरा गांव में खेत में दिखाई दिया सांप का जोड़ा। 30 मिनट तक सांप का जोड़ा अटखेलियां करता रहा। सांप के जोड़ों को देखने लोगों की भीड़ उमड़ी।
बारा जिले के अंता क्षेत्र में अलग अलग जगह कुत्तों के हमले से आधा दर्जन से भी अधिक हिरण घायल हो गए, जिसमें से एक हिरण ने समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण दम तोड़ दिया। कोटा के कुनाड़ी थाना क्षेत्र के खेत में कीटनाशक के सेवन से बकरियों और गायों की मौत का मामला सामने आया है। छानबीन में पता चला कि देर रात किसी ने कीटनाशक का छिड़काव किया था, सुबह बकरियों और गायों ने इसका सेवन कर लिया। तेरह तो मर चुकी, अभी बकरा और पड़ा। और गायें कितनी मरी है? गाय मरी चार। चार गाय मरी, 18 ये मर के, एक और बकरा जिंदा है वो मरने वाला है। मैं चाहता हूँ कोई पैसे मिल जाओ, मतलब आपको मुआवजा दिया जाए इस चीज। बारा में आज भी गांव वाले खुले में अंतिम संस्कार कर रहे हैं। शमशान घाट नहीं होने से ग्रामीण क्षेत्र के लोग खुले में अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं। गांव वालों का कहना है कि प्रशासन को इससे अवगत कराया गया है, पर कोई भी समाधान नहीं निकल पाया। अनलॉक वन के बाद तेजी से कोटा के मंदिर तो खुल रहे हैं, लेकिन भक्तों और चढ़ाओं की तादाद में अभी भी खासी गिरावट है। ऐसे में कांग्रेस नेता ने खास पहल की है, अपनी टीम के साथ सैकड़ों लीटर घी जुटाने के बाद स्पेशल किट तैयार किए हैं, जिन्हें भीतर ही शहर के मंदिरों में बांटा जा रहा है। अनलॉक 1.0 में जहां जीवन पटरी पर आने लगा है, वहीं कोरोना के बचाव के लिए लोग सुबह सुबह योग भी कर रहे हैं। योग दिवस को लेकर बीकानेर में योगाभ्यास किया जा रहा है। इक्कीस जून यानी कल विश्व योग दिवस को डूंगरपुर में सामूहिक कार्यक्रम के बजाय ऑनलाइन मनाया जाएगा। इसके लिए आयुर्वेद विभाग और पतंजलि योग समिति की ओर से तैयारी कर ली गई है। 2020 को लेकर आयुर्वेद विभाग ने घर पर ही मनाने का निर्णय लिया है, और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने हेतु प्रशासनिक सरकार के प्रोटोकॉल अनुसार आयुर्वेद विभाग ने 1 घंटे का पूरा वीडियो तैयार किया गया है, और उस वीडियो के माध्यम से हम सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, इंटरनेट के माध्यम से हम प्रेषित करेंगे, और उसके माध्यम से हर परिवार अपने घर पर ही रहकर योग कर पाएंगे। विश्व योग दिवस के अवसर पर बूंदी में भी ऑनलाइन बूंदी ट्रैक्टर ग्रुप के सदस्य योगाभ्यास करेंगे। योगा टीचर श्रेया अग्निहोत्री योग करवाएंगी। अजमेर के नया बाजार के रहने वाली 12 वर्षीय सिद्धांत ने अजमेर एसपी को सुपर हीरो मानते हुए अपने जन्मदिन पर 1 साल से जमा की गई जमा पूंजी से 100 सैनिटाइजर, फेस मास्क के साथ ही पीपीपी किट भेंट की। सिद्धांत की पहल की हर किसी ने सराहना की है। उसे उसका जन्मदिन है आज, तो उसे लग रहा था कि मम्मी पार्टी और मतलब फ्रेंड्स के साथ तो हम लोग हर साल ही सेलिब्रेट करते हैं, हमारे कोरोना वॉरियर्स हमारी इतनी हेल्प कर रहे हैं और अपनी फैमिली से दूर रह के अपनी जान खतरे में डाल के हमारे लिए ये सब कर रहे हैं, तो मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो इसका मन था कि हम उन्हें मास्क, अच्छे से अच्छे मास्क, सैनिटाइजर्स, पीपी किट ये सब गिफ्ट करें, तो हमने आज इसकी इच्छा पूरी की है। इसकी पॉकेट मनी से ही इसने ये सब कुछ ये लेके आया है और एसपी सर को गिफ्ट किया है। सीकर में राव राजा कल्याण सिंह की 114वीं जयंती रानी महल में मनाई गई। राव राजा कल्याण सिंह की प्रतिमा पर लोगों ने पुष्प और माला अर्पण कर उनको श्रद्धांजलि दी और राव राजा कल्याण सिंह के इतिहास के बारे में बताया गया। डूंगरपुर जिले में इस वर्ष भी किसानों को खाद का संकट झेलना पड़ सकता है। जिले में इस बार 1500 मीट्रिक टन खाद की डिमांड बढ़ी है। जिले में खरीफ फसल की बुआई को लेकर इस बार कुल 9000 मीट्रिक टन खाद की आवश्यकता होगी, जबकि जिले में अभी केवल 6% 560 मीट्रिक टन खाद ही उपलब्ध है। इसमें डीएपी का 1200 मीट्रिक टन, यूरिया का 6000 मीट्रिक टन और एनपी का 250 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया। वर्तमान में यूरिया है वो 410 मीट्रिक टन है, डीएपी 128 मीट्रिक टन है और एनपीके वो 30 मीट्रिक टन वर्तमान में उपलब्ध है। किसान पोस मशीन से संबंधित लैंप्स के माध्यम से और प्राइवेट हमारे लाइसेंसी है वहाँ से ये खाद है वो प्राप्त कर सकता है। प्रदेश में अच्छी बारिश की कामना के उद्देश्य के साथ 11वां रंग मल्हार 5 जुलाई को आयोजित होने जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते इसका आयोजन इस बार ऑनलाइन किया जाएगा। 11वें रंग मल्हार की थीम हैंडबैग्स रखी गई है।
राजस्थान की ओर तेजी से बढ़ रहे मानसून के चलते संभावना जताई जा रही थी कि मानसून 20 जून तक राजस्थान में दस्तक दे देगा, लेकिन हवाओं के चलते मानसून के अगले 36 घंटों में या 25 जून तक डूंगरपुर बांसवाड़ा के रास्ते राजस्थान में दस्तक देने की संभावना है। बारां जिले के अंता में तेज अंधड़ के कारण 200 साल पुराना इमली का पेड़ धराशायी हो गया। पेड़ के नीचे दबने से एक भैंस घायल हो गई, वहीं दो ट्रैक्टर ट्रॉली क्षतिग्रस्त हो गए। कस्बे में शुक्रवार शाम को तेज अंधड़ के साथ झमाझम बारिश हुई। जून के भीषण गर्मी में 21 जून का साल का पहला और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इसी महीने चंद्र ग्रहण भी लग चुका है, लिहाजा सूर्य ग्रहण को बेहद दुर्लभ भी माना जा रहा है, इसलिए सूर्य ग्रहण को कंकड़ सूर्य ग्रहण भी कहा जाता है। सिटी 60 में अभी बस इतना ही। जी राजस्थान पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।